सांसों के झूले में झूलने की विद्या, इसको सीखने में समय बिताओ। ये विद्या ब्रह्मास्त्र है, हमारी समस्त इच्छा पूर्ति का मुख्य स्रोत है। यहाँ आने और यहाँ से जाने का इकलौता रास्ता है ये। ढूंढो ढूंढो इस रास्ते को ताकि घर लौट सको पथिक, तुम घर लौट सको। ये कुंडली एक फिल्म एक्ट्रेस हैं, मनीषा कोइराला। ये नेपाल राजा के घर में पैदा होने वाली लड़की अपना करियर ही नहीं बना पाई और जीवन में दुखी दुख चलते रहे। कैंसर हुआ इनको, है उससे बहुत लंबे समय तक लड़ी। ये जरा देखिए कुंडली। तो मनीषा कोइराला है फिल्म अभिनेत्री। तो मनीषा कोइराला की जन्म कुंडली मकर लग्न है, मकर राशि भी है। तो सबसे पहले आयु की गणना कर लेते हैं। लग्नेश शनि चर में है, अष्टमेश का सूर्य चर में है, दीर्घायु हो गई। लग्न चर में है, चंद्रमा चर में है, दीर्घायु हो गई। शनि चर में, चंद्रमा चर में, दीर्घायु हो गई। ठीक है न? तो तीनों तरह से दीर्घायु का कालखंड है। अच्छा, राजयोग देखो तो लग्नेश चौथे घर में बैठा है नीच का, मेष राशि में। लेकिन ये राजयोग तो बनाएगा, है ना? लग्नेश चौथे घर में आ गया, एक तो राजयोग शनि का मिलेगा। पंचमेश का शुक्र इनका भाग्य भाव में आ गया, शुक्र यहाँ नीच का पड़ा हुआ है, तो ये कोई राजयोग नहीं देगा यहाँ नौवें घर में। नौमेश का बुध इनका आठवें घर में आ गया, ये भी कोई राजयोग नहीं देगा। चतुर्थेश का मंगल सातवें घर में नीच का पड़ा, ये भी कोई राजयोग नहीं देगा। दशमेश का शुक्र इनका नवम में आ गया नीच का, ये एक दूसरा राजयोग इनको मिलेगा। दशमेश नवम में, भले नीच का है लेकिन राजयोग देगा। तो दो राजयोग हैं, दोनों नीच के, है ना? ये स्थिति है। नीच भंग नहीं हो रहा कहीं। हाँ, नीच भंग कहीं नहीं हो रहा। दूसरी चीज है कि इनको राजनीतिक क्षेत्र में करियर इनका क्यों नहीं बना। मकर पिताजी हाँ, जो है प्रधानमंत्री, मकर लग्न है, गुरु यहाँ बैठा है। राहु की नवी दृष्टि यहाँ आ रही है और मंगल की चौथी दृष्टि आ रही है। राहु मंगल है ना, और गुरु और शनि की एक दृष्टि आ रही है यहाँ उच्च की। तो शनि लग्नेश की दृष्टि तो आ रही उच्च की। अगर ये राहु मंगल की यहाँ दृष्टि ना आती तो ये राजनीति में सक्सेस होती। अच्छा। राहु मंगल ने इनके दशम घर को बिगाड़ दिया और यही कारण है इनका फिल्मी करियर भी डामाडोल रहा, है ना? चला नहीं कायदे से। हाँ, ये तो स्थिति इनकी हो गई, ये कहानी हो गई। अब चंद्रमा भी इसमें पीड़ित है। चंद्रमा लग्न में बैठा है, सातवें घर का मालिक है और शनि की दसवीं दृष्टि और मंगल की सातवीं दृष्टि, यानी शनि मंगल के लपेटे में चंद्रमा बैठा। एक ये समस्या हो गई, तो फंस गई है। हाँ, और अष्टमेश वो सूर्य सप्तम में, अष्टमेश सूर्य सातवें घर में बैठा है नी। तो इसका और यहाँ पे ये विवाह बाधा योग है नी, तलाक इस तरह की चीजें पैदा करता है, संबंध विच्छेद पति से। तो ये सारी कुंडली देखिए, दो दो राजयोग हैं, दोनों नीच के राजयोग और तीन ग्रह नीच में, तीन ग्रह नीच राजा के घर में पैदा होने के बावजूद जो है देश काल परिस्थिति असर नहीं कर पाई, असर नहीं कर पाई, है ना? तो ये मतलब अगर कुंडली वीक हो जाए तो मामला गड़बड़ हो जाए। अब धन भाव की स्थिति देखो, तो धन भाव का मालिक यहाँ चौथे घर में पड़ा है नी? नीच का। लेकिन अब ये चूंकि लग्नेश है, राजयोग बना रहा है, तो पैतृक लोक से तो ये धनवान थी, है ना? अच्छा है। और पति भाव इनका बिगड़ा हुआ है, सूर्य मंगल यहाँ बैठा हुआ है ना? सूर्य जब भी बैठेगा किसी भाव में, यानी कि वहाँ पे उससे हानि करेगा, या तो दो विवाह का योग बनेगा, या तलाक होगा, या विवाह बाधा योग बनाएगा। तो ये सूर्य यहाँ ये तीनों काम में से कोई ना कोई किया होगा। अच्छा, ये हो गई। संतान भाव का मालिक इनका शुक्र, भाग्य भाव में नीच का पड़ा हुआ है। तो संतान भाव तो वैसे ठीक ठाक है, क्योंकि संतान भाव पे किसी पाप ग्रह की कोई दृष्टि नहीं आ रही है ना? तीसरे घर, छठे घर पे देखो, रोग के घर पे यहाँ शनि की तीसरी दृष्टि और राहु की एक दृष्टि, पांचवी, दो दृष्टियाँ आ रही राहु शनि की। तो रोग की इसीलिए इनको रोग ज़्यादा हुए, अन्यथा दीर्घायु की कुंडली है, रोगों की इतनी स्थिति तो होनी नहीं चाहिए। तो राहु शनि का छठे घर पे
अच्छा कॉम्बिनेशन जो बन रहा इस कारण से इनको, और ये खस्टेस अष्टम में चला गया, ये हाँ और खस्टेस चला गया आठवें घर में, इस कारण की दृष्टि बुद्ध पे, हाँ इस कारण से ये सारी समस्या इनको बनी। हम बोला था दो दो राज्यों के, इस वजह से कैंसर अंतर से बच गई हैं, बच नहीं दीर्घायु होने के कारण बची, ये बाकी हाँ दीर्घायु भी है, दीर्घायु थी और दो राजयोग थे इसमें, इस कारण से कैंसर से बचाव हो गया। और बाकी ये नेपाल की रहने वाली थी तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई अच्छे प्रकांड ज्योतिषी से हाँ हाँ कुंडली तो दिखी होगी, क्योंकि नेपाल में हमने सुना है कि ज्योतिष विज्ञान काफी जो है हाँ बहुत प्राचीन समय, वहाँ बहुत प्राचीन समय से काम होता है, ज्योतिष ज्योतिष भी है और उपाय भी लोग बढ़िया बढ़िया, रेमेडीज भी जो है अच्छी होती है नेपाल। और तो इसमें कुछ है नहीं देखना, और तो ठीक है ठाक। अच्छा एक चीज बताइए, एक शब्द है आनंदमय कोश, ये भी बहुत इस समय प्रचलित है, जिसको देखिए वही आनंदमय कोश की चर्चा कर रहा बिना जाने। सनातन धर्म में मैंने पढ़ा है कि शरीर, ये जो स्थूल शरीर दिखता है इसके पांच शरीर है, है नहीं? तो पांच शरीरों में एक तो स्थूल शरीर हो गया है नहीं, और एक सूक्ष्म शरीर हो गया जिसको मन शरीर कहते हैं, है ना, एक प्राण शरीर हो गया, तीन हो गए, एक ज्ञानमय कोश हो गया जिसको विवेक कहते हैं, है ना, एक पांचवा जो शरीर होता है वो आनंदमय कोश होता है। अच्छा। तो आनंदमय कोश वास्तव में आत्मा है। अच्छा। हाँ, आत्मा इन चार शरीरों से के अंदर निवास करती है अपने कोष में, है ना, वो आत्मा का घर होता है, उसको कहते हैं आनंदमय कोष। स्थित कहाँ पे होता शरीर में, बात जब ब्रह्म और आत्मा जीवात्मा की आती है तो वेद कहता है कि शरीर के हृदय रूपी गुफा में, है ना, जीव आत्मा और ब्रह्म दो तत्व निवास करते हैं इकट्ठे और अनंत काल से निवास करते हैं, जब से सृष्टि की रचना हुई कभी एक दूसरे से मिल नहीं पाते, ये बड़ी अजीब चीज है, है ना, इकट्ठे रहने के बावजूद नहीं मिल पाते, नहीं मिल पाते। अच्छा, तो न मिल पाने के कारण ही जीवात्मा मुक्त नहीं हो पाती, है ना, फिर जब किसी संत सदगुरु का दर्शन होता है, उनके सत्संग सुनता है, उनसे ज्ञान प्राप्त करके ध्यान साधना करता है, तब ये जीवात्मा उस ब्रह्म का दर्शन करती है परमात्मा का, और तब जाकर के वो जीवात्मा इस देह धारण की प्रक्रिया से जो जन्म जन्मांतर से चलता है इससे मुक्त हो जाती है। तो ये जो पांच शरीरों की बात कही गई ये है स्थिति। तो आनंदमय कोश वास्तव में आत्मा की स्थिति है, आत्मा की स्थिति, आत्मा जहाँ पे निवास करती है हृदय रूपी गुफा में, है ना, वो आत्मा का स्थान। ये लोग जो जो आत्मज्ञानी होता है वो अपने गुरु से क्रिया लेके उसको अभ्यास करके और आनंदमय कोश में उतर जाता है, उतर जाता है आनंदमय कोश में, तो वो जो स्थित प्रज्ञता की चर्चा है बस वो आनंदमय कोश में ही रहता है। इसका मतलब है कि जिस दिन से वो उतरा आनंदमय कोश में उस दिन के बाद से वो ध्यान कर रहा है कि नहीं कर रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो नॉन स्टॉप 24 घंटे आनंदमय कोश में ही रहता है। अब चूंकि ये जो पीछे के सार चार शरीर हैं आनंदमय कोश के बाहर के, ये जितना उसका कर्म है इस जीवन का ये करते रहते स्थूल शरीर करता रहता और वो खुद रहता है वहाँ, हाँ ये सूक्ष्म शरीर करता रहता, प्राण शरीर करता, जो जो जिसका काम है वो करता है ना, ये स्थिति है। और वो अपना खुद जो है आनंदमय कोश में, वो आनंदमय कोश में वही स्थित प्रज्ञता है, और आनंदमय कोश के आगे जो है वो पारब्रह्म है, वो पार ब्रह्म है, वो सीधे परमात्मा जी। अच्छा, और ब्रह्म के अंदर नहीं निवास किया जा सकता ना, हाँ ना, ब्रह्म के अंदर निवास करने का मतलब है शरीर छूट जाएगा, हाँ है ना, ब्रह्म ये जो एक एक और तमाम भ्रांतियां हैं, हाँ ये भी बताइए। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि कोई ब्रह्म यानी परमात्मा में जब जीवात्मा मुक्त, मुक्ति के लोग व्याख्या देखो किस तरह करते हैं, कहते हैं कि जीव जब मुक्त होता है तो परमात्मा में विलीन हो जाता है, हाँ ये कहते हैं सब, कहते हैं ना, हाँ विलीन हो जाता है, हाँ, हाँ, हाँ,
लेकिन जितने भी संत महात्माओं ने वर्णन किया है, वो सतगुरु कबीर साहब हों, गुरु नानक देव जी हों और संत रविदास जी हों, सबने पूरा लिखा है विधिवत कि आत्मा यहाँ से जब मुक्त होती है तो सत्यलोक में निवास करती है। ठीक है, वो उसमें विलीन नहीं होती, सत्पुरुष में वो वहां निवास करती है, उसका पृथक अस्तित्व रहता है आत्मा का। तो ये कैसे माना जाएगा, है नहीं? क्योंकि ये एनलाइटेंड संत महात्मा सदगुरु थे, तो जब एनलाइटेंड सदगुरु बता रहे हैं कि सत्यलोक में आत्मा निवास करती है, वो वहां विलीन नहीं होती परमात्मा में, है नहीं? अच्छा, एक और चीज मैं बताऊं, कोई भी ऊर्जा विलीन कहाँ होगी, ये भी सत्य सुनो, ये हमारे अपने शोध की बात है, हमने निकाला। बहुत सारे सीरियलों में देखा होगा कि आत्मा गई, ज्योति पुंज निकला और भगवान के चरणों में प्रवेश कर गया, है ना? है ना? बहुत सारे देखो तो कहीं हमने रामायण सीरियल में रावण की आत्मा निकली तो भगवान राम के हृदय में प्रवेश कर गई, है ना? ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता, आदमी अंदाजे लगा रहा, केवल अंदाजे लगा। मुक्ति का सीधा अर्थ है, अगर भगवान श्री राम ने रावण को मुक्त किया तो उनकी आत्मा को सत्यलोक में स्थान दे दिया, ठीक है, जहां जन्म मरण का कोई चक्कर नहीं होता अनंत काल तक, वहां न जन्म है न मृत्यु है। तो ये है वास्तविक अर्थ, ये ना कि वो आत्मा जाकर के उस परमात्मा के शरीर में विलीन हो जाएगी, है ना? तो यानी कि वो जो जैसे ये जो बात है कि ब्रह्म और आत्मा ये दोनों इंसान के हृदय की गुफा के अंदर रहते हैं और अनंत काल से एक दूसरे को नहीं जानते हैं, जब कोई सद्गुरु मिलता है उसकी क्रिया के ऊपर आदमी चढ़ता है तो वो आत्मा और परमात्मा एक दूसरे को जान जाते हैं, हाँ, दर्शन करते हैं भाई, परमात्मा तो सबको जानते हैं, हाँ, वो तो जीवात्मा नहीं जानती, जीवात्मा जान जाती तो वो दर्शन करती है, है नहीं? तो वो फिर आनंद में मगन रहती, फिर वो उसी हृदय गुफा में, हाँ? जब तक शरीर की मृत्यु नहीं होती वो वहीं रहती है, वहीं रहती। तो सारा खेल केवल एक दूसरे को जानने का है, बस जानने का है, दर्शन प्राप्त करने का, बाकी ये नहीं है कि ना? उसमें कुछ और भी जो है कुछ दिमाग लगाना, वो ब्रह्म में कहां विलीन हो जाएगी। आत्मज्ञान है आसान, लोगों ने जो है इसको कठिन बना दिया है, केवल समय का सदगुरु ढूंढना बस, किताब से तो होगा नहीं आत्मज्ञान। और हाँ, अगर ऐसे ही ये माना जाए जो लोग कहते हैं उसमें विलीन हो जाती, तो ये अनंत काल से सृष्टि चल रही है, तो इतनी सारी आत्माएं जो मुक्त हुई सब विलीन हो गई, विलीन हो गई, हाँ। तो ये इतनी आबादी धरती की कैसे बढ़ती जा रही, अगर केवल हम पृथ्वी की बात लें, ये सात तरफ की आबादी कहाँ से आई, और सारी अगर विलीन हो जाएंगी तो कर्म चक्र खत्म नहीं हो जाएगा, क्या परमात्मा नई जीवात्माओं को तो बना नहीं रहे। एक नियम और सुनो, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम, सृष्टि के रचना करते समय परमात्मा ने जितने जीवों को जिन जिन लोकों में भेज दिया, है नहीं? अपने अंश को, ठीक है, अब उसमें परमात्मा चाहे तो वो बढ़ोतरी कर सकते हैं और आत्माएं भेज सकते हैं अपने अंश से, लेकिन वो क्यों भेजेंगे, क्योंकि जितनी ज्यादा आत्माएं होंगी उतना ज्यादा भार उनको वहन करना पड़ेगा, पहले इतनी आत्मा मुक्त हो जाए भाई, जैसे 1 करोड़ यहाँ धरती की आबादी जब रही होगी तो भगवान भी खुश रहते होंगे कि हमको काम कम करना पड़ रहा है, सही बात है, और बढ़ती है, पूरी प्रकृति खराब हो जाती है, अब 7 अरब की आबादी है, इसका लोड भगवान झेल रहे हैं, सही बात है ना, तो भगवान को क्या पड़ी है, पूरी प्रकृति का डिस्टर्बेंस हो जाता है, हाँ, तो ये चीज है इस तरह से। तो अच्छा, तो ये जो एक ऐसे सवाल आ गया हमारे दिमाग में, अध्यात्म दरअसल कोई ये कोई दर्शन शास्त्र नहीं है, नहीं, अध्यात्म तो बहुत ही प्रैक्टिकल चीज है, परमात्मा का दर्शन करना अनुभव करना बहुत ही प्रैक्टिकल बात है, है ना, अनुभव की बात है, ये कोई किताबी बात नहीं ना भाई। वैज्ञानिकों ने जब इस ब्रेन के अंदर देखा कि कोई करंट चलता है एक सेल से दूसरे सेल, दूसरे से तीसरे, है ना, तभी ब्रेन के सेल काम करते हैं,
तो ये जो एनर्जी है, एनर्जी शब्द जो आया, एनर्जी वास्तव में धार्मिक ग्रंथों में इसका नाम आत्मा दिया गया, वैज्ञानिक इसको ऊर्जा कहते हैं, एनर्जी कहते हैं, है सब एक ही, है एक ही चीज, कहने का अपना अंतर है। ठीक बात, ठीक है। अंतर श्रृंगार की वियोग से संयोग की यात्रा में जो संचारी भाव चलता है वो अनाहत चक्र पर चोट करता है, उसे खोलकर मुक्त कर देता है। स्नायु तंत्र सजीव होकर ब्रह्मांड यानी पंचम तत्व में विलीन होने के लिए तत्पर हो जाता है। ये शरीर में यह प्रक्रिया घटित होती है वो तत्काल अशरीरी हो जाता है। जो शरीर इस शरीर को देखता है वो शरीर अशरीरी की यात्रा में जाने को उमड़ने लगता है। ब्रह्मांड की आदि शक्ति जो मोह के प्रभाव में रहती है मुक्त हो जाती है और दोनों शरीर अशरीरी में संभोग कर लेते हैं। पर यह नारायण की स्थिति नहीं है, ये घटना मन के नियंत्रण में है, इसे ज्ञानी जान नहीं सकता, क्योंकि ज्ञानी मन के द्वारा छला हुआ एक नर या नारी है जो सुषुप्तावस्था में है। उसके जागने में बहुत समय है अभी। सच्चे गुरु का इंतजार और सच्ची मेहनत की कमी। सच्चा गुरु यदि मिल भी चुका हो फिर भी सच्ची मेहनत की कमी। गुरु सिर्फ चाबी देता है, अगर ताला खोलने की यादें अवचेतन में न पड़ी हूं तो चाबी एक खिलौना मात्र है। खेलो और छोड़ दो। मटको इस ब्रह्मांड में, यही तुम्हारी नियति है। मटको